हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल प्रदीप की लस्सी ब्लॉग, जो कि आप सब देख रहे हो। मैं अभी बर्फ वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ फिलहाल, देख रहे हो टोचन करके, देख रहे हो टोचन हो रहा है ना। अब मैं इस गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, मेरी गाड़ी नहीं है, इसकी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी को ले जा रहा हूँ, वो चला रहा है गाड़ी और फिलहाल मैं चल रहा हूँ। ये गाड़ी जब खींच रही है ना तो ये कर रही है। चल भाई ले चल, गड्डी को ले चल, चलूंगा तेल ना। ये अभी खराब हो गई, देख रहे हो। अरे कंडीशन दिखाता हूँ आप लोग को, मेरे साथ बने रहे। ये देख रहे हो इस गाड़ी का ये इंजन है जो खराब हो गया है, इस गाड़ी जो खींचा जा रहा है इसको, मैं इस गाड़ी पे मैं बैठा हूँ इस पे। इस गाड़ी का भी तेल खत्म हो गया था इसलिए इस गाड़ी में का तेल निकाल रहे हैं। देखो होता है कि नहीं होता है। चल टंकिया खुली तब ना ये सांस ले लेते हुए। देख रहे हो बारिश भी आ गया है पूरा, बरसात भी हो रहा है। ये ऊपर का छतरी उड़ गया है, इसमें वोल्ट बोल्ट कुछ नहीं है। देख रहे हो इसको कैसे करके छतरी लगाना पड़ेगा। इधर इधर तो सही है, इधर वाले है ना जो इसका बोल्ट खत्म हो गया है, उधरा रहा है ऊपर। अभी दिखा रहा हूँ, देखो देखो ये छतरी पूरा उड़ गया है। गाड़ी तो कंडीशन सही है, देखो इधर का ये देखो पूरा सिस्टम बैकग्राउंड। इस पे हम लोग एक दिन का कम से कम ना तो 700-800 रुपया कमाते हैं इस गाड़ी से। और लेकिन गाड़ी अब खराब होगी तो अब क्या करें, दिक्कत परेशानी तो होना ही चाहिए। और आप देखो खींचते हैं कैसे ऐसे 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 कर। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो टेंशन होता है, चलने में तो मज़ा आता है लेकिन अगर खराब हो जाए तो बहुत बेकार लगता है। तो हम लोग चल रहे हैं और फिलहाल आप लोग को भी दिखाते हैं इस गड्डी में। टोचन भी ऐसा हुआ है ना कि लग रहा है कि अगर कवर जाए ना तो उखड़ जाएगा शरीर पे, उसका जो टोचन है ना टूट के सीधे शरीर पे आएगा। अब हम लोग की गड्डी तैयार हो गई है, अब फिलहाल बने रहो, अब देख लो गाड़ी चालू हो रही है, अब हम लोग साथ में चलेंगे। वो भी चालू नहीं हो रही है। चलो चल ले चल ले चल चाप के। नहीं नहीं बिगड़ वजन पड़ता है। देखो ये देखो अब हम लोग की गड्डी चल दी है, देखो आराम से गाड़ी आते। ये देख रहे हो ज्यादा स्पीड होने के बाद गाड़ी का हैंडल, अरे भाई मुआवला मुआवला देख रहे। जब गाड़ी स्पीड हो रही है ना ये देखो हैंडल हाँ हैंडल बहुत स्पीड चल रहा है यार, झोल मार रहा है, लग रहा है कि गाड़ी के साथ मैं भी गिर जाऊंगा। देखो देखो टाइट में पकड़ा हूँ, पूरा भरपूर टाइट पकड़ा हूँ, तो भी बारिश भी हो रहा है। और ले चलते हैं इसको पहले अड्डे पे, उसके बाद हम लोग अपना बातचीत करते हैं। चलो गाड़ी उतराज करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। तो भाई मुआवला करवा खरीद कर ले जान गई। फाइनली हम लोग आ गए। देख रहे हो अभी फिलहाल सूत के भी चलाने लगा मस्त, इस तरह पैर लात पकड़ लो आराम से हैंडल अपना और बैठ के आराम से सो के चलाओ बिंदास। पूरा आगे का व्यू भी लोगेगा, साफ क्लीन है और आगे से अब देख रहे हो डिजाइन है, न्यू फैशन है गाड़ी चलाने का और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देखो ऐसे लात पकड़ लो आराम से अपना चलाते रहो, अगर आगे जाए गाड़ी तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो आराम से अपना डी 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 घुमाते रहो चलाते रहो, आगे से भी पैर नहीं सरकेगा पीछे का भी पैर नहीं सरकेगा। और फाइनली अब हम लोग के गाड़ी में तेल भरा रहा है आगे वाली में जो घींच रही है गाड़ी, उसमें गाड़ी के साइड कर चल ले। हमारी R15 RX 100 तैयार है, तैयार चलने के लिए। उठा
चल ले चल। रोक देता मर्दवा, दुकान आ गई समझ गए। दुकान आ गए तब देख रहे हो कैसे गठियाया गया था गाड़ी को। ये पूरा हैंडल ही, अगर ये उखड़ता ना तो साला चोट लग जाता। लेकिन देखा तो है रसरिया से यो कुल बल्फो टूट गला है। देख ये पूरा हाई का प्लास्टिक यो टूट गई ले पूरा। रसरिया का दाब पड़ता ना ये से टूट गला। हम लोग के गांव का एक आदमी का पेट्रोल कम खत्म हो गया था, गाड़ी रुका था तो वहीं पे बैठ हो गया था, तो वही पेट्रोल भरावे खातिर मन के आगे नहीं आया। और ये पड़ा आधा लीटर। क्यों ना करते का मार चांग के किक मार 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 मज के इंजन का। हाँ चालू हो गई मार दे। इतना तगड़ा हारन था कि वो बच्चा तो छोटा वाला बच्चा जो था वो डर गया। देखो मौसम इतना सुहाना है कि ये बैकग्राउंड भी बहुत क्लीन आ रहा है, मस्त आ रहा है एकदम। फ्यूचर में एक आठ तकलीफ रहे के चाहिए ना, तकलीफ रहे ना तो मजा ना आए, वही से सबके तकलीफ रहे।